सीधे हाथ से बेटा, सीधे हाथ। हबीब भाई की खिदमत में भी शाल पोशी और दिलफोशी हो रही है, कबूल फरमाए। और सरपंच साहब को भी दिलफोशी हो चुकी है, कबूल फरमाए। और जनाब जाफर भाई, हमारे जाफर साहब जहां भी रहे वो भी स्टेज पर आ जाए तो नवाजिश हो। जाफर साहब आपको हमारे एजाज खान साहब बुला रहे हैं, तशरीफ लाए। दरगाह कमेटी और मकान के कमेटी हमारे जनाब जनाब मोहम्मद खान साहब, जनाब मोहम्मद खान साहब वो भी तशरीफ लाए। मोहम्मद खान साहब स्टेज पर आ जाए तो नवाजिश होगी। और एक जरूरी ऐलान है कि जितने भी दूर दराज से आए हुए हैं हमारे दरगाह कमेटी वाले और हमारे इधर, दो दिन से हजरत गंजे शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हो रहा है। इस मुबारक पर आप लोगों को तहे दिल से, कमेटियों की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद कहता हूं। और उसके साथ आज इतनी खुशी महसूस होती है कि काफी लोग आज चिन्नमंडम के उर्स में आकर हमारा हौसला अफजाई कर इतना बुलंदियों पर इस उर्स को लेके जाना मैं पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस उर्स को कामयाब बनाने में काफी लोगों का योगदान है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कमिटी के जितने मेंबरान हैं, यूसुफ ले लो, ये बाकीउल्ला ले लो, ये गौस साहब ले लो, और मेरे साथी जितने भी हैं, सादक ले लो, ये मोहम्मद खान जी चाहिए, ये सीनियर सिटीजन है, अब सीनियर सिटीजन को यूथ में मिला लिए हैं, ये मार्गदर्शक मंडल में रखे हैं इनको। उसके साथ साथ आज मेहमान खुसूसी जो आए हैं हबीब साहब रायचीटी से, और मेरे दोस्त जाफर साहब और चिन्नमंडम के सरपंच जनाब नजीर साहब, और जितने मेहमान आए हुए दूर दराज से उन लोगों को भी मैं दिल के गहराइयों से मुबारकबाद कहता हूं। और ये उर्स इतनी कामयाब बनाने में इसमें काफी मशक्कत है। लोग सोचते रहेंगे कोई पट्टी वसूल करने जाएगा, कोई पैसा लेने आएगा, कोई लोगों को छिनकना, ये कोई जरूरत नहीं है। आपके दिल में मोहब्बत है बुजुर्ग की, आप दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद कहता हूं आप लोगों के सामने नेक्स्ट ईयर आने वाले साल के अंदर किसी के पास उसूल किया नहीं जाएगा पट्टी, जो भी रहेगा मैं इसका स्पॉन्सर करूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों को। क्योंकि लोगों को जिस तरह से ये करना मैं देख रहा हूँ, काफी लोग ये क्रूज बनाने के लिए कितना आगे बढ़ के आइए, आप लोग नौजवान लोग साथ दीजिए। ये गांव का मसला है, ये कोई मेरा घर का मसला नहीं है, ये किसी की जायदाद नहीं है, ये सब लोगों की जायदाद है। आइए आप साथ दीजिए, हमारा बुजुर्गों की दुआ होगी। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाते हैं तकदीरें, खजा भी टाल देते हैं निगाहें रोशन जमीरों के। कभी याद रखिएगा, कभी जिंदगी में बुजुर्गों की दुआ होना जरूरी है। किसी को फैज पाना है तो पा लीजिएगा अभी, इसका मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को कहना नहीं चाहता हूँ। इस निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाते हैं तकदीरें, खजा भी टाल देते हैं निगाहें रोशन जमीरों के। एक भी निगाह हो जाएगी तो लोगों की किस्मत बदल जाएगी।
अमर अमीनुल्ला आरिफुल्ला मालिक की भी बहुत बड़ी दुआ करम है चिन्हमंडन पर। हजरत तशरीफ लाए थे, कल उनका सुंदर हुआ, उसके बाद सबसे मुलाकात हुई, उनकी भी निगाह है, करम है, अल्लाह का करम है। मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बड़े फंकारों को मैं लाना चाहता हूँ। अभी भी जो फंकार आया है मेरे खदील अजीज आमिल साहब, मोहतरमा परवीन सुल्ताना जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दूसरे बार आप लोगों की ये हाजिरी है, आमिर साहब की भी दूसरी बार हाजिरी है। कल भी प्रोग्राम बहुत अच्छा चला, शान आलम साबरी ने आया था, धमाल मचा दिया है, लोगों की तो दिल जीत के गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का सब प्रोग्राम ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। आप लोगों कमेटी वालों को तहे दिल से और एक बार मुबारकबाद देते हुए आपका बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। इस महफिल में आना ये हमारी भी ये खुशनसीबी है, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम भी देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हम इसके साथ दुआ करते हैं इंशाल्लाह ताला। ये कमेटी की तरफ से मैं उनके बिहाफ ऑफ कमेटी हम थैंक यू फॉर द मिस्टर जहां ही केम टू हियर, थैंक यू सो मच। हम इनकी गुलपोशी हुई जनाब साहब के साथ और सादुल्ला साहब के साथ और एक दिन खुशी होगी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, इंशाल्लाह खवाली का लुत्फ उठाएंगे, वक्त जाया ना करते हुए इंशाल्लाह मुलाकात होगी। नहीं हो सकता।
वसीम रिजवी जो कुराने पाक की आयत को बदलने चला था, अल्लाह ताला ने खुद ही बदल दिया, उसको ही बदल दिया। क्योंकि शक हो गया है कलमे की उंगली से महाता, ये नजराना मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। समझता क्या है, ये इबादत है दीवाने की, समझता क्या है ये इबादत है दीवाने की, समझता क्या है, एक बच्चा ही पलट देगा हुकूमत तेरी, अरे तू मोहम्मद के घराने को समझता क्या है। Ya Nabi Mustafa.
याकूत में हीरो में सितारों की चमक में सरकार के दीवानों से तवज्जो चाहूंगी मैं। याकूत में हीरो में सितारों की चमक में उस चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा ना मिलेगा। ये दो गिरा और पढ़ रही हूँ वक्त का लिहाज रखते हुए। हमारे नजीर साहब से भी तवज्जो चाहूंगी मैं और जितने भी मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है सबसे तवज्जो खास समाज कीजिएगा। आज के दौर में हर शख्स जिंदगी से परेशान है, बच्चे को भी टेंशन है, बुजुर्गों को भी टेंशन है, जवान को भी टेंशन है, किसी को किस चीज का टेंशन, किसी को किस चीज का, लेकिन बेजार है जिंदगी से, फिर भी मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं है, तैयार सब जीना चाहते हैं, कितने भी टेंशन है लेकिन फिर भी मरना कोई नहीं चाहता। मगर जो आशिक रसूल है देखिए वो क्या कह रहा है। दुनिया का जर्रा जर्रा गुलामे रसूल है, दुनिया का जर्रा जर्रा गुलामे रसूल है, हर एक सांस को है जरूरत रसूल की, हर एक सांस को है जरूरत रसूल की, हर एक सांस को है जरूरत रसूल की। हमको तो मौत से भी मोहब्बत है इसलिए, हबीबुल्ला खान साहब और
सबकी जानिब से देखिए बहुत सारा नजराना मिला है, मेरे सरकार का सदका मिला है। जरा जोरदार तालियां बजा दी इनके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। हमको तो मौत से भी मोहब्बत है इसलिए नजीर साहब इनकी जानिब से ये नजराना मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया नजीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमको तो मौत से भी मोहब्बत है इसलिए नहीं सकता। कौन सा वादा, कौन सा वादा, कौन सा वादा? खुदा वादे को अपने माँ खुदा झुठला नहीं सकता। बहुत शुक्रिया।